नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो का न्यू जनरेशन जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी बलेनो से रिलेटेड सभी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यू जनरेशन i20 और टाटा अल्टोज के लॉन्च होने के बाद प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, और अब इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी भी अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो का न्यू जनरेशन जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो जो न्यू जनरेशन बलेनो रहेगी, एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, और ये इंडिया के अंदर 2022 के एंड या फिर 2023 तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च की जा सकती है। जो न्यू जनरेशन बलेनो रहेगी, ये हाईटेक प्लेटफॉर्म पर नए बनकर बिल्कुल नए जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। इसी के साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया में अपनी एक और नई एसयूवी लॉन्च करेगा, जो कि मारुति बलेनो वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। इसके अलावा जो न्यू जनरेशन बलेनो रहेगी, उसके अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जो करंट मारुति बलेनो है, उसके अंदर केवल पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलता है, लेकिन जो न्यू जनरेशन बलेनो आएगी, उसके अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा न्यू जनरेशन बलेनो से पहले ही आपको एक मारुति सुजुकी बलेनो का हाइब्रिड इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे हाल ही में इंडिया के अंदर टेस्ट करते हुए भी देखा गया है। तो यानी कि जो न्यू जनरेशन बलेनो से पहले ही मारुति अपनी इस बलेनो को थोड़ा और अपडेटेड करके इंडिया के अंदर लॉन्च करेगी, जो कि 2021 के एंड तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा जो मारुति सुजुकी बलेनो है, ये इंडिया की अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक है, और ये जब इसका न्यू जनरेशन लॉन्च होगा, तब भी इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो हुंडई i20 इसकी जो कंपटीटर है, उसका न्यू जनरेशन लॉन्च किया गया था, तो उसकी जो प्राइस है वो हाई होने की वजह से उसकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो रही है कंपेयर टू मारुति सुजुकी बलेनो। तो इसके साथ ही मारुति पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ही मारुति सुजुकी अपनी न्यू जनरेशन बलेनो को इंडिया में हाइब्रिड और टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ भी लॉन्च करेगी। इसी के अलावा मारुति सुजुकी अपनी कई सारे मॉडल्स को भी अपडेट और न्यू जनरेशन के साथ इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है, तो उन सब के बारे में भी वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगा।